मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मथुरा के कोसी कलां में 814 करोड़ की लागत से बने पेप्सिको प्लांट का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। इससे 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, साथ ही 5000 से अधिक किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि देश में पेप्सिको का यह सबसे बड़ा निवेश है, इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार की निवेश फ्रेंडली नीतियों के कारण पेप्सिको का प्लांट 2 साल से भी कम समय में चालू हुआ है। पेप्सिको ने राज्य से सालाना 150,000 टन आलू खरीदने की संभावना जताई है। इससे 5,000 से अधिक आलू किसानों को भी लाभ मिलेगा। कंपनी इस प्लांट में आलू के चिप्स बनाएगी। इसके अलावा कंपनी अपने प्लांट में कम से कम 30% महिला कर्मचारियों को रखेगी। इसका शुभारंभ 15 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर शाम को आयोजित होगा। इसमें मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, श्रीकांत शर्मा, प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी, इंडस्ट्री विभाग के अधिकारियों के साथ साथ पेप्सिको के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।